बहकी सभी जुबां है हमें। तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज इस व्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज पीछे आप देख रहे हैं तिरंगा। तो आज है क्या, चलिए ये बताएगा, आज क्या है बता? आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव क्यों मनाया जाता है, बता सकता है? तो चलिए, इसको पता नहीं, मैं बताता हूँ। ये आजादी का अमृत महोत्सव भारत की आजादी के बाद हर 25 साल के बाद मनाया जाता है। इस पर्व से हमारे अंदर देश के प्रति अच्छी प्रेरणाएं, देशभक्ति की प्रेरणाएं जागृत होती रहे, इसलिए ये 25 वर्षों के बाद में मनाया जाता है। एक वर्ष में दो और भी ऐसे पर्व आते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस, जिससे भी हमारे अंदर देशभक्ति की भावना बनी रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज है आजादी का अमृत महोत्सव, तो इसी के उपलक्ष में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है कि सभी अपने घर पर एक तिरंगा फहराएं। तो इसी उपलक्ष में हमने भी एक तिरंगा फहराया, जो कि हम पंचायत से लेके आए। पंचायत में पता नहीं प्रधानमंत्री ने किस तरह बांटने को बोले हैं, परंतु हमारे यहाँ पर 20 रुपये एक झंडे की फीस लगाई है और सबको बांट रहे हैं। सभी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करने वाला नहीं हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि आप भी अपने घर पर एक तिरंगा फहराकर प्रधानमंत्री का सपोर्ट करें। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है और आज रक्षाबंधन भी है। आधे लोगों ने कल मनाया था, आधे लोगों ने आज मनाया है। तो चलिए, कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, तो आज आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और रक्षाबंधन की भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो इस आज़ादी के महोत्सव के उपलक्ष में तुम कुछ कहना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ढच्चा लगा के खांबा फाड़ के। ये नहीं कहना है, आज़ादी के इस महोत्सव के उपलक्ष में कुछ इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? इसके बारे में क्या कहो? कुछ नहीं, कुछ कहना चाहता, क्या कहना, भूल गए? कुछ भी बोल दो। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। रिक्वेस्ट करता हूँ सभी अपने अपने घर के तिरंगा फहराए। चलिए दोस्तों, तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। चल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ढच्चा लगा के खांबा उखाड़ के। बाय बाय। ऐसी जिए ना छुप छुपाए, ना छुप छुपाए, ना छुप छुपाए, ऐसी ना छुप छुपाए।